साहिल मित्तल, डॉक्टर वोकैब आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए आज मैं आया हूं। सीजन वन, जी हां, वोकैबुलरी के ऑनलाइन बैच की बहुत बड़ी सफलता के बाद अब एक नया बैच लेकर आ रहे हैं सीजन टू के लिए। आप सोच रहे होंगे कि इस सीजन टू के अंदर क्या होगा, क्या नया होगा। तो सबसे पहली बात, सारे के सारे वर्ड्स जो सीजन वन में करवाए गए थे उससे अलग कुछ वर्ड्स करवाए जाएंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, वो सारे के सारे वर्ड्स एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स होंगे। लेकिन इन दोनों अनाउंसमेंट के बाद जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो ये है कि जो हमने प्रीवियस टेक्निक यूज की थी, रूट वर्ड मेथड, थीमेटिक अप्रोच मेथड और निमोनिक मेथड, ये तीनों तो बनी ही रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ टीओवी यानी कि टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन से भी पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर हम यूज करेंगे GIF, इमेज और वीडियोस। और इन तीनों चीजों को जब हम यूज करेंगे तो वो हमारे दिमाग के अंदर बहुत तरीके से न्यूरन पैटर्न के तौर पर बहुत तेजी से काम करता है, जिससे हमारी लर्निंग कैपेसिटी बहुत तेजी से इंप्रूव होती है। सो सबसे पहला वर्ड जो इसके अंदर हम शेयर करने जा रहे हैं, वो इसके अंदर जो शेयर है वो है ये शब्द। जी हां, ये लिखा हुआ है काजोल। इसकी स्पेलिंग है CAZOLE। आप देख पा रहे हैं जो काजोल लिखा है, इसके अंदर ये जो पिक्चर बनी हुई है जिसके अंदर खुद काजोल आंखों में आंखें डालकर जो देख रही है, और उसी से पता लगता है कि ये किसी पर्सन को बुला रही है, किसी पर्सन को अर्ज कर रही है, किसी पर्सन को परसुएड कर रही है। और जी हां, काजोल का मतलब ही होता है किसी पर्सन को परसुएडिंग के माध्यम से, किसी पर्सन को लुभाना, बुलाने के सेंस में यूज किया जाता है। और तब इसके फैमिली ऑफ वर्ड्स के तौर पर ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स भी आपको एक साथ याद हो जाते हैं। तो कैसे एक वर्ड को इमेजिन करके पावर ऑफ पिक्चर के तहत हम याद कर सकते हैं, इसी के अंदर सेकेंड वर्ड जो आपके पास है वो है जियर, ZEER, जियर। जियर के अंदर आप देख पा रहे होगे ये छोटी सी पिक्चर, सबकी अपनी मनभावन पिक्चर है, बचपन में सबने इनको देखा हुआ है, टॉम एंड जेरी। और किस तरह से ये टॉम जेरी का किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, और यही मजाक उड़ाना तो मीनिंग होता है किसका, जियर का। और जियर का मीनिंग जो होता है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, और इसी को लाफ एट या मॉक या रिडिकुल के सेंस में यूज किया जाता है। तमाम तरीके से देखें तो आपके पास एक और वर्ड होता है, और वो है सिनुअस। मेरे साथ आप बोल सकते हैं सिनुअस, SINUOUS, और OUS से खत्म होने वाले सारे वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। जो ये वर्ड लिखा हुआ है सिनुअस, सिनुअस का मतलब अगर आप देख पा रहे होगे, एक तरफ है रवीना टंडन और दूसरी तरफ है आपके पास बहती हुई नदी। तो रवीना टंडन कि जो जिस तरह की कर्व्स हैं, या जिस तरीके की कर्व्स के साथ किस तरह से नदी पहाड़ों से उतरती हुई मैदान तक पहुंचती है, उस कर्व्स के माध्यम से जो चीजें आती है, दैट इज व्हाट वी कॉल सिनुअस। कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, सेम इसी रवीना टंडन के जैसी थी, और उसका नाम था सिनुअस, सीनू। और सीनू को बिल्कुल इसी तरीके से चला करती थी। तो मैं कह सकता हूं शी वॉज स्टेपिंग लाइक अ सिनुअस स्टेप, She was stepping like a sinuous step। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, GIF के तौर पर, इमेज के तौर पर और वीडियो के तौर पर हम जो यूज करने जा रहे हैं वो है TOV, यानी टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन। और मैं जानता हूं विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपके पूरी की पूरी सेंसेस काम करती है, और मेमोरी के तौर पर 101% आप सीख कर रहते हैं, जिसके लिए आपको रिटेंटिव टेक्निक को अपनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मेरी उम्मीद है कि इस बैच में आप ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट लेंगे। जिन लोगों ने सीजन वन लिया था वे लोग, या जो भी लोग नए लर्नर्स हैं, नए कैपेबल लोग हैं जो इंग्लिश को बहुत प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से अपने करियर ओरिएंटेशन के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, एग्जाम क्लियरेंस के लिए अलग अलग रूप में पढ़ना चाहते हैं, वो लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।